खोराबर थाना क्षेत्र के कुसमी में बंद फैक्ट्री में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि गोरखपुर के खोराबर थाना क्षेत्र के कुसमी में बंद पाइप की फैक्ट्री में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद किशोरी बेहोश हो गई। बुधवार की सुबह हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मां की तहरीर पर खोराबर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अभियुक्त सदन उर्फ साजन राजभर पुत्र वकील राजभर निवासी कुसमही कोठी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि हर बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बंद फैक्ट्री पड़ी हुई है, वहां पर एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई। इस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर गई, उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, साथ ही साथ टीम का गठन किया गया था, जिससे कि अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। मेडिकल के लिए पीड़िता को भेजा गया, उसका मेडिकल कराने के उपरांत वो अब स्वस्थ है और वो अपने घर पर मौजूद है। सर, पहले से परिचय था युवक से या फिर जबरदस्ती ले गया था, कुछ जानकारी? ये बात अभी तक प्रकाश में ये आया है कि कुछ लगभग एक महीने से ये दोनों आपस में संपर्क में आए थे और उसके बाद में बातचीत हुई इनके बीच में, उसी के तहत ये लोग मिलने के लिए गए हुए थे। सर, आरोपी बालिग है? आरोपी बालिग है। सर, फैक्ट्री किस चीज की थी? पाइप बनाने की फैक्ट्री थी, जो इसमें पूर्णतया बंद पड़ी हुई है। सर, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? इसमें एक ही व्यक्ति था, एक लड़ जो वो प्रकाश में आया था, तो उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो परिजनों का आरोप है कि उसमें और भी दो लोग थे? नहीं, परिजनों की तहरीर पे ही मुकदमा पंजीकृत हुआ था, अन्य कोई प्रकाश में नहीं आया है। ऐसी अगर कोई बात होगी तो उस पर विवेचना भी प्रचलित है, जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।